मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था, बकरीद, कांवड़ यात्रा तथा सावन मेला के संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 तारीख को बकरीद और 14 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है। बकरीद की नमाज पर सभी मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा, सावन पर निकलने वाले कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी मार्गों को ठीक करवा दिया जाए, सभी मंदिरों पर साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, जिससे कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा महसूस ना हो। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करोरेस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, आरटीओ अनीता सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आगे सर, हम उपस्थित तो कमिश्नर साहब रास्ते हैं और डीएम साहब अभी पहुंचने वाले हैं रास्ते में। बहुत सारे सर, आज ये महत्वपूर्ण इसी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री जी का और सभी अधिकारियों का, मुख्य सचिव साहब का मैं स्वागत करना चाहूंगा। सर, आज आपने सभी मंडल आयुक्त, सभी जिलाधिकारी, सभी एडीजी, सभी आईजी, सभी डीआईजी, सभी एसएसपी, एसपी और नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकारी और नगर आयुक्त को भी जो है आज आमंत्रित किया है, जिससे मैं नगर विकास विभाग के भी लोगों का प्रतिभाग है। सर, ये जो आज बीसी आपने आयोजित की है, ये जो महत्वपूर्ण त्यौहार अभी हाल में आने वाले हैं उनके संदर्भ में है, ईद उल जुहा बकरीद जिसको हम जानते हैं 10/7/2022 को बकरीद का त्यौहार मनाए जाने की संभावना है सर, और बकरीद के त्यौहार में 3 दिन तक लगभग जो है कुर्बानी अदा की जाती है और मऊ जनपद में केवल 4 दिन की कुर्बानी होती है। बकरीद के त्यौहार में जो संयुक्त नीति करना है, जो बैठकें करनी है, जो सिविल डिफेंस और शांति समिति की बैठक करनी है, जो नमाज और कुर्बानी की विशेष सतर्कता बरती जानी है और विशेष रूप से जो सोशल मीडिया को मॉनिटर करना है, उस पर आज चर्चा हमारे अलग अलग अधिकारी करेंगे सर। इसके साथ साथ सर, 14 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है, ये पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण मास है क्योंकि विभिन्न त्यौहार पड़ते हैं और 14/7 से लेकर 12/8 तक, 12 अगस्त तक ये चलेगा
और इसमें 26 सात को श्रावण शिवरात्रि का जो है त्योहार मनाया जाएगा।